आज हम बुढ़िया दाबर आए हैं। बुढ़िया दाबर झारखंड के आजारी बाग के एक छोटे से गांव है बुढ़िया दाबर। और पिछले एक महीना पहले हमारे टीम जिनका नाम है सुल्तान अहमद और मकसूद आलम यहां पर आए थे। स्वर्गीय कमरुद्दीन के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके दरवाजे पर और एक आश्वासन दिया गया था कि संस्था की तरफ से भी जितना सहायता हो उतना किया जाएगा। और ये आज जो इनको सहयोग किया जा रहा है ये केवल आज के लिए नहीं है, आने वाले भविष्य में ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन इनके परिवार के साथ है और हमेशा खड़ी है। जो स्वर्गीय कमरुद्दीन थे एक ऑपरेटर थे, एक्सीवेटर ऑपरेटर, जो यहाँ से चल के मिजोरम में गए थे काम करने के लिए। और काम करने के दौरान एक बड़ी सी चट्टान आके उनके केबिन पर गिर गई जिसके कारण उनकी देहांत हो गया। एक बहुत दुखद घटना है। और इनका परिवार जो है, एक इनकी वाइफ है और दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में एक बूढ़ी माँ है। आज अगर हम सब ऑपरेटर मिलकर इनको परिवार को अगर सहायता नहीं देते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कोई ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर का साथ नहीं देगा, ना कि उनका परिवार का कोई साथ देगा। और आज ये संस्था बनाया गया है ऑपरेटर के हित में। एक ऑपरेटर को समान काम के लिए समान वेतन दिलाना, सही समय से वेतन दिलाना, दुर्घटना होने पर संस्था द्वारा एक आर्थिक सहायता देना, मालिक द्वारा दिलवाना। और यहाँ के हम माननीय विधायक से, सांसद महोदय से भी अपील करेंगे और यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि इनके परिवार को सरकार की तरफ से भी सहायता मिलना चाहिए। साथियों, आज संस्था 25,000 इनके परिवार को एक सहायता दिया जाएगा सामने करके। रोइए मत, संस्था आपके साथ है, इसे पकड़िए हर कदम। आप मरे ठीक मरे, अगर टेंशन ना लेना, हमें हमेशा साथ रहा। आइए आप, क्लास में जल रहा है कोर में, इसमें खुला है कौन बुला है। अभी ईद आने वाला है, जो भी डोनेशन आया हुआ है कैश के माध्यम से, जो भी ऑपरेटर 150 सहयोग किए हैं, ईद के लिए, ईद के लिए आने वाले समय में आपका साथ है संस्था, ये हमेशा हर वक्त हर कदम में हम लोग साथ हैं, संस्था आपके साथ रहेगी। ठीक है, हताशा कोई बात नहीं है। हम लोग आए थे एक महीना पहले रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग किए और लेके गए,
सभी आदमी देखा और जितना आदमी देखा हम लोग बंगाल तक में मीटिंग किए। बंगाल तक मीटिंग करके मीटिंग करने के बाद में वहाँ से कुछ बहुत आदमी वहाँ से मदद किए आप लोग का, कुछ बहुत अभी यहाँ पर बरही में मीटिंग हुआ उसका मदद किए। तो सभी का मीटिंग करने के बाद में इतने कुछ बहुत जो जिसको जितना हुआ अपना स्वेच्छा से दिया, हम लोग को जितना करना था उतना किया। संस्था की तरफ से हम लोग एक 25,000 का चेक दिए वो वाला है और ये आप लोग का जो पब्लिक की मदद किया वो पैसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा से रहिए और हताश होने बात नहीं। ये लोग छोटा छोटा बच्चा लोग है, ये लोग फ्यूचर को देखिए और हमारी और जितने भी ऑपरेटर साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क। कहीं भी जा रहे हैं संस्था को खबर कीजिए, काम के दौरान में अगर कुछ घटना हो जाए संस्था आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। जैसा कम स्वकमरुद्दीन के साथ में हम लोग अभी खड़े हुए हैं, ऐसा रिपोर्टिंग करके गए और इसको मदद किए, वैसा आप लोग के साथ भी हम लोग आएंगे। आप लोग भी जितने भी तमाम ऑपरेटर साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सबका मदद कीजिए, सामने आइए, खुल कर आइए, घर में बैठे रहिएगा, कुछ काम होने वाला नहीं है। दोस्तों अभी एक ऑपरेटर ऐसा हुआ है, सबके साथ में ऐसा घटना होगा, मौत किसी को पहचाना नहीं है दोस्त, कहाँ किसके पास होगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क। जय हिंद।